चार राज्यों के विधानसभा चुनावों में बीजेपी ने बंपर जीत हासिल की है, खासकर उत्तर प्रदेश में भाजपा ने बहुमत हासिल किया। इसे लेकर यूपी से राज्यसभा सांसद अनिल अग्रवाल से बातचीत की हमारे संवाददाता ज्योति सिंह ने, आइए आपको दिखाते हैं। बातचीत करने के लिए जुड़े हुए गाजियाबाद के सांसद अनिल अग्रवाल जी। सर, पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजे आ चुके हैं और पांच में से चार राज्य बीजेपी ने प्रचंड बहुमत के साथ हासिल किए और प्रचंड बहुमत के साथ जीत हासिल करी है, क्या कहना चाहेंगे? हालांकि विपक्षियों के भी काफी सारे आरोप भाजपा पे लग रहे हैं। नहीं, देखिए, सबसे पहले तो मैं सभी कार्यकर्ताओं को बधाई देना चाहता हूँ और अपने शीर्ष नेतृत्व का धन्यवाद अदा करना चाहता हूँ जिन्होंने हमें इतना समय दिया और हम लोगों का मार्गदर्शन किया। दूसरी बात यह है कि जो विपक्ष के लोग हैं, कुछ तो कहना ही है ना उन्हें तो, और लेकिन जनता ने जो कह दिया है वो सर्वमान्य है। जनता ने स्पष्ट आदेश दिया कि भारतीय जनता पार्टी इन चार राज्यों में शासन करे, और उसका जो सबसे बड़ा कारण है वो ये है कि हमारे शीर्ष नेतृत्व ईमानदारी के साथ 24/7 बगैर कोई छुट्टी लिए काम करते हैं, जनता की सेवा करते हैं। कल माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी अपने संबोधन में बड़ा स्पष्ट किया कि जो सबसे गरीब व्यक्ति है समाज का, उसका हक जब तक मैं नहीं दिलवाऊंगा तब तक मैं रुकूंगा नहीं। तो ये जो चीज़ है इसको हर जनता समझ रही है। लोगों ने देखा है किस प्रकार माननीय मोदी जी, माननीय योगी जी ने विशेषकर उत्तर प्रदेश में काम किया है, जहाँ कानून व्यवस्था पूरी ध्वस्त थी, रोज दंगे होते थे, वहाँ किस प्रकार से व्यवस्था सुचारू की गई है। हमारे कार्यकर्ता जनता के बीच में रह के सेवा करते हैं। माननीय अध्यक्ष जी का तो बड़ा स्पष्ट है कि सेवा ही संगठन है, जो सब लोग सेवा कार्यों में भी लगे हैं। जब सारी पार्टियाँ क्वारंटाइन हो गई थी, भारतीय जनता पार्टी मात्र एक ऐसी पार्टी थी जिसके कार्यकर्ता घर घर गए, लोगों को अनाज दिया, सैनिटाइजर दिए, हर तरह से मदद की, तो ये उसी का परिणाम है। अगर हम अखिलेश यादव की बात करें तो योगी आदित्यनाथ को वो बुलडोजर वाले बाबा कह रहे थे, तो अब बुलडोजर वाले बाबा ने तो बुलडोजर चला दिया सभी पार्टियों पर। नहीं, देखिए, बुलडोजर जो है वो एक प्रतीक है विकास का। जहां जहां विकास कार्य होते हैं वहां बुलडोजर का लगता है, और जहां माफियाओं ने लोगों का हक छीन के अपनी संपत्ति बनाई है वह उसको ध्वस्त करने का। तो माननीय योगी जी को तो जनता ने स्पष्ट आदेश दिया है, और जिस प्रकार से उनके पिता की मृत्यु हुई लेकिन वो नहीं गए, जनता की सेवा करते रहे कोरोना काल में, जब सब लोग घरों में क्वारंटीन थे, कोई निकलता नहीं था। माननीय योगी जी को खुद कोरोना हुआ और जैसे ही वो ठीक हुए उत्तर प्रदेश के अधिकांश जिलों में उन्होंने दौरा किया, हॉस्पिटल्स गए, कमांड सेंटर गए, जिला प्रशासन की बैठक ली, जनप्रतिनिधियों की बैठक ली। तो ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसको जनता जानती है कि किस प्रकार से वो लगे हुए हैं सेवा में, उसी का परिणाम है ये रिजल्ट्स। अगर हम दो स्टेट की बात करें, यूपी और उत्तराखंड, उत्तराखंड में बीजेपी ने वापसी करी है। उत्तराखंड का एक इतिहास रहा है कि जो सत्ता में पार्टी रहती है वो वापसी नहीं कर पाई है। उत्तराखंड का इतिहास को आपने तोड़ दिया और वापसी कर ली। वही योगी जी की बात करें तो यूपी में ऐसे कुछ मिथ्स थे, कुछ अफवाहें थी कि जो नोएडा जाते हैं वो दोबारा सरकार में नहीं आते। फिर चाहे हम कितने भी मुख्यमंत्रियों की लिस्ट देख ले, कांग्रेस के हों, सपा के हों, जो भी नोएडा में गया उन वो कुर्सी से हाथ धो बैठा। तो एक ये जो अफवाह थी वो भी योगी आदित्यनाथ जी ने तोड़ दी, वहाँ उत्तराखंड में भी इतिहास तोड़ दिया। आखिर क्या करके मानेगी बीजेपी? देखिए, मैंने कहा ना, बीजेपी को शीर्ष नेतृत्व का मार्गदर्शन, कार्यकर्ताओं की मेहनत, ये दो मूल मंत्र हैं। और माननीय योगी जी, माननीय मोदी जी का बिल्कुल स्पष्ट है कि सेवा सबसे इम्पोर्टेंट है। ये मिथ वगैरह, ये सब मन बहलाने की बातें हैं। जब आप 24 घंटे काम करते हैं, सेवा करते हैं, तो निश्चित रूप से उसका आपको परिणाम मिलता है, जनता का आशीर्वाद मिलता है। और दोनों नेता हमारे जिस प्रकार से एक बहुत साधारण बैकग्राउंड से आए हैं और आज उन्हें मालूम है क्या लोगों को चाहिए, तो सबकी सेवा कर रहे हैं, उसी का परिणाम है। आखिरी सवाल आपसे लेना चाहूंगी, पंजाब में आम आदमी पार्टी आ गई है, उसको आप किस तरीके से देख रहे हैं पंजाब? नहीं, मैं उनको शुभकामनाएं देता हूं और
मैं उम्मीद करता हूं कि वो आने वाले 5 साल में पंजाब के लिए बेहतर करेंगे, नहीं तो जनता जो आज उनको शीर्ष पे बैठाई है वो अर्श पे लाने में, अर्श से फर्श पे लाने में कोई देर नहीं करती। धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। तो यूपी से सांसद अनिल अग्रवाल हमसे बातचीत कर रहे थे। कैमरा पर्सन विकास के साथ ज्योति सिंह, A1 TV, दिल्ली।